डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी एक मिड पॉइंट का क्वेश्चन देखा था, आज फिर एक मिड पॉइंट का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या है हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद जो है देखिए, ए लाइन पी क्यू 100 mm लॉन्ग ट्रू लेंथ दिया हुआ है गिवन में। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही गिवन लिख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, कैसे बनाना है वो भी दिमाग में आते जाएगा। तो ए लाइन पी क्यू 100 mm लॉन्ग इज इंक्लाइन एट 30° टू एच पी एंड 45° टू दी वीपी, 45° टू वीपी। इट्स मिड पॉइंट एम, मान लीजिए कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इज इन दी वीपी। क्वेश्चन क्या है, इन दी वीपी, अब समझिए यहाँ पे इन वीपी है, इन वीपी एंड 20 mm अबव दी एच पी, यही है ना, 20 mm अबव दी एच पी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ पी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि है तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, यही है ना फ्रंट व्यू, या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये क्या होता था कि फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे, क्योंकि ये क्या हो गया नीचे ऐसे चले जाता था। लेकिन क्यू जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट इस साइड, थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे, फ्रंट व्यू को डैश से इंडिकेट करते हैं, टॉप व्यू को विदाउट डैश से। तो अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक्स वाई लाइन तो हम ड्रॉ कर ही लें, ये एक्स और वाई लाइन हो गया। उसके बाद लोकेशन क्या बताया है, पहले एक्स वाई लाइन, उसके बाद लोकेशन ड्रॉ कीजिए। लोकेशन किसका दिया हुआ है, मिड पॉइंट का, जिसका लोकेशन दिया है वही हमारा हमारे हमारा रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो एम इन दी वीपी है, इन दी वीपी है तो क्या बनेगा, टॉप व्यू हमारा यहीं पे बन जाएगा एक्स वाई लाइन पे। 20 अबव है, अबव दी एचपी में क्या बनता है, अबव दी एचपी में क्या बनता है, फ्रंट व्यू, और कहां बनता है, जितना ऊपर दिया है ये 20 ऊपर हो गया। अब इस लोकेशन के बाद क्या बताए थे, लोकस ड्रॉ कर लीजिए, क्या ड्रॉ कर लीजिए, लोकस ड्रॉ कर लीजिए, समझिएगा। उसके बाद दिया है थीटा 30° टू दी एचपी, तो अब 30° टू दी एचपी और लेंथ कितना है 100, तो यहां 30° टू दी एचपी हम खींचेंगे तो सही, ये देखिए ये कितना है 30° टू दी एचपी, लेकिन इस तरह से खींचेंगे कि 50 इधर और 50 इधर, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। और ये फ्रंट व्यू का है, ये किसका है, फ्रंट व्यू का है। तो यदि फ्रंट व्यू में P डैश और Q डैश यहां लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि P डैश तो ऊपर होना चाहिए और Q डैश नीचे होना चाहिए, ठीक ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो हम उल्टा नहीं रख सकते हैं क्या, इसको P के बजाय इसको यदि हम Q डैश रख दें और इसको P डैश रख दें तो क्या नाराजगी है भाई, हम यहां P और Q लिखते इसके बजाय यहां Q P रख दिए, ठीक है, जैसे जितेंद्र पांडे या पांडे जितेंद्र, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे उल्टा कर दिए, पांडे जितेंद्र, दैट मींस कि P इधर चले गया, Q इधर आ गया, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम P डैश Q डैश अभी तक लिखते आए हैं, लेकिन यहाँ Q डैश P डैश क्यों लिखे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है, ध्यान रखिए। उसके बाद यहां से अब क्या बताए थे कि ये लोकस तो ड्रॉ कर ही सकते हैं आप, ये तो आप परांगत हो चुके हैं, इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। उसके बाद टॉप व्यू, दैट मींस कि ये फाई दिया है 45°, यहां से अब 45° पे ये आप खींचेंगे कितने पे, 45° पे, इधर 50 इधर 50 इस तरह से। तो यहां पे ये तो टॉप व्यू वाली लाइन है, एम से आप खींच रहे हैं तो टॉप व्यू में क्या है, ये P और Q, यही है ना P और Q, यहां हम रख दें इसका नाम P और इधर रख दें Q। देखिए दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, ये उसको क्या नाम रख दिए, Q, क्यों कि Q हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऊपर रहना चाहिए एक्स वाई के, और P नीचे रहना चाहिए, तो P नीचे आ गया, Q ऊपर आ गया, काम तमाम। अब देखिए अब क्या करना है हमको, इस Q डैश Q, P डैश P, अब बताए थे कि मिड पॉइंट के क्वेश्चन में आधे को भूल जाइए, अब इसी को रेफरेंस लेकर के बनाना है। तो पहले इधर बना ले हम, क्या करते थे, पहले P से ये ड्रॉ कीजिए, P डैश को कहां पे गिराएंगे, ये टॉप व्यू वाले पे, ये क्या हो जाएगा
पी वन यही गिराते थे ना, ए डैश को बी डैश वाली लाइन, बी डैश लाइन वाले को ए पे गिराते थे तो बी वन, ये एम पे गिराए तो पी वन, फिर इस बी वन को ए पे रखकर आर्क मार देते थे, या एम पे कंपास का पॉइंट रखकर के इधर आर्क मार देंगे, ये क्या मिल जाएगा आपका पी टू, मिल जाएगा कि नहीं, और इस भाई बहन को मिला देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहां पे अब पी को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे कहां एम डैश वाले पे, तो क्या होगा, ये था हमारा पी वन, अब ये जाएगा आपका यहाँ एम डैश वाले पे, क्या बनेगा पी वन डैश, कंपास का पॉइंट यहाँ रख करके यहाँ से आर्क मारेंगे, ये क्या मिल जाएगा पी टू डैश, और इसको हम मिला देंगे, ये क्या हो गया फ्रंट व्यू, और ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, और आप देखेंगे ये पी टू डैश और पी टू एक ही लाइन पे आ रहा होगा, सेम यही काम अब इधर करेंगे हम, ठीक ना, सेम यही काम इधर करेंगे, देखिए कैसे कर रहे हैं, ये Q डैश को कहां पे गिराएंगे, टॉप व्यू वाले पे, टॉप व्यू वाला कौन सा है, यही है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा Q डैश से Q1, कंपास का पॉइंट यहां रख करके, कंपास का पॉइंट रख करके Q1, Q डैश से Q1 टॉप व्यू वाले पे गिरा दिए, यही कॉन्सेप्ट है ना, देखिए यहां पे Q डैश से दैट मींस कि B डैश से कहां गिराए B1 पे, और इस पे रख करके बी वाले पे आर्क मार दिए, दैट मींस कि अब यहां से क्या करेंगे, यहां पे कंपास का पॉइंट रखेंगे, और यहां से दैट मींस कि यहां पे देखिए यहां पे, यहां पे ये रख कर यहां रख करके क्यू वन से आर्क मार देंगे, तो ये जो है आपका जहां भी आर्क लगेगा, ठीक ना, ये तो पहले था आपका क्यू, यहां पे क्यू तो रहने दीजिए, यहां से आर्क मारेंगे आप तो यहां पे आपका कहीं पे आएगा क्यू टू, ये क्या आ जाएगा Q2, ठीक है, और फिर Q से कहां पे गिराते हैं, Q से ये Q है, इसको गिराएंगे फ्रंट व्यू वाले पे, तो फ्रंट व्यू वाला तो यही है ना M डैश, यही है ना फ्रंट व्यू, ध्यान दीजिए ये फ्रंट व्यू वाले पे, यहां पे चाहे काम कर सकते हैं, ये Q2 कहां पे आया Q पे, और Q2 डैश भी जस्ट इसके पैरेलल ही तो आएगा, ये जो है देखिए Q2 को आप मिलाएंगे जस्ट इसी के जाएगा, ये जाएगा कि नहीं, और ये Q2 और Q2 डैश एक ही पे होता है ना, A और A डैश, यहाँ Q2 और यहाँ पे क्या आएगा Q2 डैश, इसको मिला दीजिए ये फ्रंट व्यू वाले से, ये Q2 डैश और P2 डैश क्या हो गया फ्रंट व्यू, यहाँ Q2 और P2 क्या हो गया टॉप व्यू, तो ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया आपका टोटल बीटा, तो ये आपका क्या हो गया टॉप व्यू, और ये क्या हो गया टोटल फ्रंट व्यू। आप बोलिएगा सर इसमें एचटीवीटी, एचटीवीटी देख लीजिए क्या फॉर्मूला है कि टॉप व्यू प्लस वी प्लस एचटी एक लाइन पे रहता है, फिर फ्रंट व्यू प्लस वी सॉरी एच प्लस वीटी एक लाइन पे रहता है, तो टॉप व्यू जहां पे एक्स वाई से टकराएगा भी होगा, ये टॉप व्यू एक्स वाई से कहां टकरा रहा है, यही टकरा रहा है ना, ये क्या हो गया भी हो गया, और भी कहां गिरता है फ्रंट व्यू वाले पे, यहीं पे क्या हो गया आपका भी टी ये पॉइंट, फिर फ्रंट व्यू जहां पे एक्स वाई से टकराएगा यही है ना फ्रंट व्यू वाली लाइन, जहां एक्स वाई से टकराएगा वो क्या होता है एच, और ये कहां गिरता है टॉप व्यू वाले पे, तो यहां गिरा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा एच टी, देखिए ये कंडीशन को फुलफिल किया आपको मिल गया इस क्वेश्चन में, अब देखिए सब कुछ मिल गया, और कोई पूछता है टू टू लेंथ तो दिया हुआ ही था, ये फ्रंट व्यू का लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, आप क्वेश्चन में बजाय यहाँ पे लेंथ इंडिकेट करने का तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए कि फ्रंट व्यू कितना निकला मेजर करके, टॉप व्यू कितना निकला मेजर करके लिख दीजिए, फिर यहाँ पे अल्फा कितना निकला बीटा कितना निकला, ये सारी चीजें लिख दीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं बना सकते हैं, ये मिड पॉइंट का दो क्वेश्चन हमने बताया 61 लेक्चर नंबर और 62 लेक्चर नंबर, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था थोड़ा सा, कि या इधर पी डैश, अभी क्या हम लोग का आदत है इधर पी रखते थे इधर क्यू रखते थे, लेकिन ये रखने में जो है दिक्कत आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये क्लियर कर दिया है कि पी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड क्यू इज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
तो मिड पॉइंट का जो भी क्वेश्चन होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मिड पॉइंट है यही रेफरेंस लाइन होगा। जैसे यहाँ पे ए और ए डैश रेफरेंस लाइन हुआ करता था, उसी तरह से यहाँ पे ये एम और एम डैश रेफरेंस लाइन होगा, लोकस जो होगा यही रेफरेंस लाइन होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन मिड पॉइंट का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस चैनल को भी प्रमोट कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए मस्ती में, रोज मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो। इसलिए ईडी इजी सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।